मम्मीज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले प्री मैच्योर बेबीज के माइलस्टोन्स एंड ग्रोथ के बारे में। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अपलोड करके रखा है हेल्दी बेबीज के रिलेटेड, उनके माइलस्टोन्स के रिलेटेड, उनके रूटीन के रिलेटेड, जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख भी सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर बेबीज के बारे में। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे एक प्री मैच्योर बेबी रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया है, जो मैंने बहुत ही मशहूर डॉक्टर राजेश त्रिवेदी के साथ किया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम बात करेंगे कि प्री मैच्योर बेबीज के क्या क्या माइलस्टोन्स होने चाहिए और क्या। पहले हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में कि प्री मैच्योर बेबीज और फुल टर्म बेबीज में क्या डिफरेंस होता है। प्री मैच्योर बेबीज यानी वो बच्चे जो 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट करने से पहले जन्म ले लेते हैं, उन्हें हम प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं। यानी कि जिन बच्चों ने 7वें महीने में जन्म ले लिया है या फिर 8वें महीने पे जन्म ले लिया है, उन्हें हम प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं। और फुल टर्म बेबीज यानी जिन्होंने अपना पूरा प्रेगनेंसी यानी कि 36 या 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो कंप्लीट कर लिया है और 9th मंथ के बाद वो लोग जन्म ले रहे हैं, तो उन्हें हम फुल टर्म बेबी कहते हैं। अब फुल टर्म बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो एक अलग होता है और जो प्री मैच्योर बेबीज का जो डेवलपमेंट एंड माइलस्टोन होता है वो अलग होता है, क्योंकि जो प्री मैच्योर बेबीज है जो 7वें या 8वें महीने में जन्म ले चुके हैं, उन्हें ऑलमोस्ट 2 महीने जितना कम मिलता है अपने मदर के वूम में, यानी अपने जो मम्मी के जो माँ के जो पेट में उनको जो 2 महीने का जो डेवलपमेंट मिलना था वो उन्हें कम मिलता है और वो पहले ही इस दुनिया में आ चुके होते हैं। इसलिए जो 2 महीने जो उनके पेट में उनको रह के जो डेवलपमेंट उनको लेना था वो अभी इस दुनिया में आके वो डेवलपमेंट जो 2 महीने का जो डेवलपमेंट है वो अभी इस दुनिया में आके कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए न्यू जो बेबीज होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं प्रीमैच्योर बेबीज, उन्हें हम है ना 1 महीने तक या 1.5 महीने तक NICU में रखते हैं या इंक्यूबेटर्स में रखते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि है ना वो जो बच्चे होते हैं वो अपने खुद के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे ही बच्चे थोड़े ग्रो होते हैं, थोड़ा उनका वेट गेन होता है, जैसे ही वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते वैसे ही डॉक्टर जो है वो आपका बेबी आपको हैंड ओवर कर देता है। नेक्स्ट सीनरी में हम देखते हैं कि फुल टर्म बेबीज में जो क्या होता है, वो 9 महीने तक पूरे अपने मदर के पेट में रहते हैं, उनके वोम में रहते हैं और वो पूरा अपना जो डेवलपमेंट जितना उनको लेना तो वो पूरा कंप्लीट करके, जितना वेट गेन उनको करना होता है पूरा कंप्लीट करके वो बर्थ लेते हैं। इसलिए तुरंत ही बर्थ के बाद आपको अपना बेबी मिल जाता है, उनको इंक्यूबेटर्स में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो नेचुरली अपना जो बॉडी वेट है या फिर बॉडी जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, जो प्री टर्म बेबीज या प्री मैच्योर बेबीज नहीं कर पाते। अब बात करेंगे माइलस्टोन्स एंड ग्रोथ के बारे में। तो जो हेल्दी बेबीज होते हैं, जो फुल टर्म बेबीज होते हैं, उनका ना जो ग्रोथ जो माइलस्टोन होता है वो ऑब्वियसली उनके वेट गेन और जो हेल्दी वो जन्म है उसके हिसाब से होता है। यानी कि 6 महीने तक वो ऑलमोस्ट क्रॉल करने का शुरू कर देते हैं, बैठना विद सपोर्ट बैठना वो शुरू कर देते हैं, उनका जो नेक कंट्रोल है वो भी आ गया होता है। लेकिन वहीं पे जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं या फिर प्री टर्म बेबीज जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं, उनमें आपको एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, एक करेक्टिव एज का ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं आपको तो पता है वो 7 महीने में जन्म ले चुके, 2 महीने का उनका डेवलपमेंट बाकी है, तो 2 महीने का डेवलपमेंट वो तो अभी इस दुनिया में आने के बाद वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जो 9 मतलब जो फुल टर्म बेबी ने जो 6 महीने में जो अचीव किया है जो माइलस्टोन, ऑब्वियस ही बात है कि जो प्री टर्म बेबी है वो 6 महीने में उतना अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 महीने वो पहले इस दुनिया में आ चुके, तो पहले तो उसको वो 2 महीने का जो डेवलपमेंट है उसको अचीव करना है, उसके बाद उसका जो करेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। यानी कि अगर आपका प्री मैच्योर बेबी 6 मंथ्स का है तो उसका जो माइलस्टोन या फिर जो ग्रोथ होगा वो 4 मंथ बेबी का होगा। अगर आपका बेबी है ना 8 महीने का है या 9th मंथ का है तो उसका जो माइलस्टोन होगा या फिर जो ग्रोथ होगा वो एज पर 6 मंथ बेबी का होगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक करेक्टिव एज है, क्योंकि 2 महीने वो ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो उसको वो 2 महीने भी कवर अप करने होते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2 साल तक चलता है, यानी कि 2 साल तक आपका बेबी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो रहेगा, या फिर है ना मंथ बाय मंथ आपको है ना वो करेक्टिव एज के हिसाब से देखना होगा। जहाँ पे है ना 9 महीने का बेबी 1 साल में चलना सीख गया है, वहीं पे प्री मेच्योर बेबीज हो सकता है 14 महीने में या 15 महीने में या 16वें महीने में चलना सीखे। ये जो पूरा जो सिनेरियो है, जो प्रीटर्म बेबीज का जो डेवलपमेंट सिनेरियो, ये 2 साल तक रहता है। 2 साल तक आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो आपका जो बेबी है वो जो माइलस्टोन्स है वो अचीव कर रहा है या नहीं, और 2 साल के बाद आपका जो प्री टर्म बेबी है और जो फुल टर्म बेबी है वो एक साथ यानी एक ही रोड पे चलना स्टार्ट करते हैं। यानी कि फुल टर्म बेबी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, आपका प्री टर्म बेबी भी उस हिसाब से ही ग्रोथ करेगा 2 साल के बाद। यानी कि 2 साल के बाद जो कंसेशन पीरियड हम बच्चे को देते थे, या फिर 2 साल तक जो करेक्टिव एज हम लोग हमारे बच्चे के साथ ना करते थे, वो आपको हटा देना है। अब 2 साल के बाद आपका जो फुल टर्म बेबी है जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, आपका प्री टर्म बेबी यानी प्री मेच्योर बेबी भी उस हिसाब से ही ग्रोथ करेगा। अगर 2 साल के बाद भी आपके जो बेबी का ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं हो रहा जितना फुल टर्म बेबी का होता है, तो इस केस में आप अपने डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते, तो वही आपको एक प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं। एक और चीज, जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनको आपको रेगुलर चेकअप, रेगुलर फॉलोअप के लिए लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रख के आपको पालना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उनके डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, उनके ग्रोथ इश्यूज भी हो सकते हैं, कभी कभी उनके कॉन्सेंट्रेशन कम होते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि हर प्रीटर्म बेबी या हर प्री मैच्योर बेबी में ये प्रॉब्लम होते हैं, बहुत कम बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके बेबी प्री मैच्योर है तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि उसका डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं, उसका ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं। आपको एक प्रॉपर फॉलो अप की भी जरूरत रहती है हमेशा अपने डॉक्टर के साथ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्ट्रीजिक ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच।